भाई व्लॉग करने दे। हेलो फ्रेंड, वो पहाड़ है, ये चीतन है और हम चाय पीने वाले हैं। क्या तुझे बात बताऊं? तालों में नैनीताल है, बाकी सब तलैया। आजा मोहब्बत में नाचे था थैया। मेरे पापा बोला करते थे नैनीताल में कुछ नहीं है, ये अहलीताल, ये पल्लीताल, ये भीमताल, ये नैनीताल हो गया नैनीताल। और ट्रिप का हमारा लास्ट डे है, आज हम पेल के खाएंगे, कल से डाइट पे जाएंगे। वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको नैनीताल ले जा रहा हूँ। हमने प्लेन्स वाला सारा रास्ता कवर कर लिया है, अब हमने पहाड़ चढ़ने शुरू कर दिए हैं। रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत कैफ़ेज़ मिलेंगे जहाँ पर आप चाय पी सकते हैं या और कुछ भी स्नैकिंग करनी है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। मौसम यहाँ पे अच्छा खासा ठंडा है, फरवरी का महीना है। और रात को हम यहाँ पहुँचे थे, मेरा होटल है पीछे। और अभी हम निकलेंगे साइट सीइंग के लिए, नैनीताल भी घूमेंगे और नैनीताल के आसपास जो साइट्स हैं वहाँ भी घूमेंगे। यह है मेरे होटल की बालकनी से व्यू। आप सुबह सुबह उठें और आपके सामने ऐसे खूबसूरत पहाड़ों का व्यू दिखे तो लगता है कि यार इससे अच्छा कुछ नहीं है। अभी हम नैनीताल में बोटिंग कर रहे हैं। नैनीताल ताल के लिए ही फेमस है अपने, और यहाँ आप आएंगे तो बोटिंग करनी तो बनती है। यहाँ का जो ताल है, लेक है, बहुत बड़ा है और बोटिंग के कई सारे इन्होंने एरियाज़ बना रखे हैं, तो आप अपना चूज़ करके आपको कितनी देर की बोटिंग करनी है, कितनी लंबी बोटिंग करनी है, उस हिसाब से आप अपना पैकेज ले सकते हैं। जो नैनीताल है उसके तीन तरफ पहाड़ हैं, और जब आप लेक के बीच में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू दिखेगा आपको। लेक का पानी बहुत साफ़ है, पूरे नैनीताल को पीने के लिए यही पानी सप्लाई होता है। इट्स टी टाइम इन नैनीताल। जब आप ऑन सीज़न आओगे मई जून में तो आपको यहाँ रूम 8,000-9,000 रुपये में मिलेंगे। हर चीज़ के रेट बढ़ा देते हैं, तो ऑफ सीज़न आ रहे हो आप तो आप डिस्काउंट ले सकते हो थोड़ा। अभी हम जा रहे हैं नैनीताल के फेमस नैना देवी मंदिर की ओर। माल रोड पे वॉक कर रहे हैं। माल रोड पे वॉक करना भी एक अलग ही फीलिंग देता है। आप चाहे मसूरी के माल रोड पे वॉक कर रहे हो, नैनीताल के माल रोड पे वॉक कर रहे हो। अभी हम हैं नैनीताल में, नैना देवी मंदिर में। ये मंदिर नैनीताल के किनारे पे बना हुआ है और बहुत खूबसूरत मंदिर है, और यहाँ से झील के व्यूज़ भी, नैनीताल के व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आप नैनीताल आए हैं तो माता के दर्शन तो एक बार ज़रूर करें। ये नैनीताल की तिब्बतियन मार्केट है। यहाँ पर आपको विंटर के कपड़े मिल जाएंगे और कुछ कुछ चीज़ें, बच्चों के खिलौने जैसी चीज़ें, क्योंकि साथ में फैमिली के साथ आते हैं तो बच्चे भी आते हैं, तो जब तक बच्चे 2-4 खिलौने ना खरीद लें चेतन, तुम्हें बड़ा तक मज़ा नहीं आता। बच्चे क्या खरीदो क्या ना खरीदो। सर साइट सीइंग के लिए जाना है। साइट सीइंग के लिए कहाँ ले जाते हैं आप? ये लोग हम लोग 170 डिग्री घुमाते हैं। हिमालय दर्शन जाएंगे सर। ठीक है। ये आप लोग जो 7 प्लेस जाना है सर, 7 प्लेसेस जाएंगे। टोल पार्किंग गाइड आना जाना सारा हमारा, गाड़ी हमारी। क्या चार्जेज है इसका? 700 है। अभी हम जा रहे हैं नैनीताल में साइट सीइंग के लिए। ये स्नो व्यू पॉइंट है नैनीताल का। यहाँ से हिल्स दिखते हैं जिन पर स्नो पड़ी हुई है, मगर अभी तो कोहरा हो गया है, यहाँ पर कोई व्यू तो नहीं दिख रहा। और यहाँ बाइनोकुलर्स भी हैं। बाइनोकुलर्स से कौन कौन से पॉइंट दिखते हैं? इंडियन आर्मी टेम्पल हो गया, पालन खेत हो गया, बड़े भाई ओके, और नैना देवी हो गया। अभी हम नैनीताल में 2 पॉइंट्स घूमे हैं, एक श्रीदेव मंदिर और एक हिमालय व्यू, स्नो व्यू, इस टाइप से उन्होंने नाम दिया हुआ है। कैसा लगा तुझे? क्या जेन्युइन? मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छे व्यूज़ तो मसूरी के माल रोड से दिख जाते हैं। हाँ, मेरे पापा बोला करते थे नैनीताल में कुछ नहीं है, ये अहलीताल, ये पल्लीताल, ये भीमताल, ये नैनीताल हो गया नैनीताल। और रियलिटी में मुझे सेम फील है भाई। ये नैनीताल का तीसरा व्यू पॉइंट है। यहाँ से बोलते हैं कि नैनीताल मैंगो शेप में दिखती है। प्रॉपर मैंगो शेप में तो नहीं दिख रही, थोड़ा डिफरेंट ही इसका व्यू है, मगर फिर भी प्रॉपरली आपको यहाँ से नैनीताल जो है वो पूरा ऊपर का व्यू दिखेगा। ये आप जो देख रहे हैं सूखा ताल है नैनीताल में। इसमें 3-4 दिन बारिश होती है तो पानी आता है। ये नैनीताल का लवर्स और सुसाइड पॉइंट है। बताते हैं कि एक विदेशी लड़की और हिंदुस्तानी लड़का बैठ के यहाँ लव करते थे। यहाँ रॉक्स हैं, कितना सच है कितना झूठ है। और ये सुसाइड पॉइंट भी है। फ्रेंड्स, अभी नैनीताल में शाम हो चुकी है और अब हम आए हैं नैनीताल के माल रोड पर। शाम को नैनीताल का माल रोड बहुत ही हैपनिंग होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी है। और यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं या शॉप हैं उन्होंने बहुत ही कलरफुल लाइटिंग लगा रखी है। तो अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आपको एक इवनिंग भी यहाँ ज़रूर रुकना चाहिए और इवनिंग में माल रोड कैसा दिखता है वो भी आपको देखना चाहिए। इस भाई को मैंने चस्का लगा दिया है गोलगप्पे का, और अब जहाँ भी जाता है गोलगप्पे ज़रूर खाता है। कैसे हैं गोलगप्पे? नॉट गुड। ये नैनीताल का रात का व्यू है। पहाड़ों पे लाइटें जली हुई हैं और उनका रिफ्लेक्शन ताल के पानी में पड़ रहा है। ब्यूटीफुल। क्या पी रहा भाई? आई एम हैविंग हॉट चॉकलेट। इट्स हॉट एंड इट्स चॉकलेट। इट्स हॉट लाइक मी। राम राम राम, वो इतना झूठ ना बोले कोई। अभी हम डिनर के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में हम डिनर कर रहे हैं। हमारे सामने नैनीताल है, लेक है, और हम कैफ़े की बालकनी में बैठे हैं। मस्त व्यू, मस्त एकदम। कैसा व्यू भाई? मस्त व्यू एकदम, मस्त पहाड़। नाइस स्कोर। दो कॉफ़ी बना दो बढ़िया सी। हाँ चल, दूध चलता है यहाँ पे। हाँ चल। अभी हम हैं नैनीताल के डोमिनोज में। टाइम लग रहा है ऑर्डर प्रिपेयर होने में, हमने सोचा आपसे बात कर लेते हैं तब तक। तो माल रोड पे ये डोमिनोज, हम वहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने शीशा लगा हुआ है और लेक दिख रही है। नैनीताल में सुबह हमने बोटिंग की, माल रोड एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम गए यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो देखने के लिए। तो हमने जो नैनीताल के आसपास के एरिया में जो 7 पॉइंट्स हैं वही हमने कवर करने की सोची। मगर जो हमने पॉइंट्स एक्सप्लोर किए वो वर्थ नहीं थे टाइम, अपना टाइम और पैसा स्पेंड करने के। एज अ टूरिस्ट मैं बोलती हूँ यहाँ के लोगों का बिजनेस है, तो ऑल द पीपल जो भी देख रहे होंगे नैनीताल के, दे आर डूइंग गुड बिजनेस। बट अगर मैं आपको गाइड करूँ नैनीताल आप आओगे तो आई सजेस्ट के डोंट गो फॉर ऑल दिस। बर्ड वॉचिंग नहीं है बिल्कुल भी, 0 अंडा नहीं, बटे सन्नाटा एकदम झंडा है। एक टाइम वॉच करना है, बट अदरवाइज एक टाइम वॉच करने लायक भी नहीं है भाई। हाँ, आप वोटिंग करें। दो बार वोटिंग कर लें आप दो बार वोटिंग कर लें। सुबह वोटिंग करें, शाम को वोटिंग करें, दिन में वोटिंग करें। झील में आप अच्छा फील होगा आपको। अगर आप कपल हो, होटल लो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, माल रोड पे घूमो, बोटिंग करो, फोटोग्राफ्स खिंचवाओ। इन पॉइंट्स में मत जाओ। लवर्स पॉइंट पे गलती से मत जाओ। इट्स स्टिल लाइफ हैल। लिटरली पता है लवर्स पॉइंट को सुसाइड पॉइंट क्यों बोलते हैं? जो जाते होंगे लवर्स उसमें जो कोई ना कोई एक दूसरे को जरूर धक्का दे देता है, वो तेरी वजह से है। तो हैल बहुत ही गंदी बदबू, बहुत गंदी। आप नहीं खड़े हो सकते हो। वहाँ माता का मंदिर है, माता के मंदिर के दर्शन करो। माता नैना देवी मंदिर वहाँ अच्छा फील होगा वहाँ पे। और माता के मंदिर से आपको कॉर्नर पे बहुत सारी मछलियाँ दिखेंगी। इन्नी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी उससे। सब्सक्राइब करे तो बोल दो यार, बोलो बनता है ना। बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है और हम वो 7 हॉरिबल पॉइंट्स भी घूम के आए हैं। तो प्लीज़ जो मस्ट वॉच नहीं है, मगर सब्सक्राइब करना इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मस्ट है, वो वर्थ है। आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, इसलिए बेल बटन भी दबा लो। और वीडियो बनाते रहेंगे हम, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। बाय बाय।